हमारा 3.1 अपना टॉपिक क्या चल रहा है, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये पढ़ा था कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये समझ में आएगा ना। अब उसके बेस्ट क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है, ये मतलब उससे डिग्री चेंज करने के बाद पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, परिक्रमण का थोड़ा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितने रेडियन का रेडियन माप का कोण बनाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक पहिया है ना, ये पहिया अपन जैसे बाइक का गाड़ी का किसी का पहिया मान लेते हैं, वो एक मिनट में 360 राउंड लगाता है, 360 बार घूमता है। तो एक सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो एक सेकेंड की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है अपने से कि एक सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो देखो अपन सबसे पहले इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसने क्या दे रखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है, 360 है ना, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। क्योंकि अपन जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। अब देखो गणित का रूल है कि भाई 1 मिनट है, यहां पर 60 सेकंड लिख सकते हैं ना, तो यहां 60 सेकंड लिख दिया मैं परिक्रमण। दिस इंप्लाइज परिक्रमण क्या मिलेगा, 360 बट्टे, अभी तो इतना ही चल रहा है भाई, 1 मिनट था इसके लिए मैंने 60 सेकंड लिख लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहां पे 1 सेकंड का निकालना चाहता हूं, 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये तो दे रखा है ना 60, इसको अपॉन में भेज दूंगा, वही करते हैं अपन शुरू से, 360 बटे 60, इससे ये कट जाएगा, ये 6 बार है ना। अब 1 सेकेंड में परिक्रमण कितने, 6, दिस इंप्लाइज आता है 1 सेकेंड में भैया 6 बार चक्कर लगाता है, 6 बार चक्कर लगाता है भाई, 1 सेकेंड में 6 बार चक्कर लगाता है, अपन सेकेंड पर तो आगे। अब इसको रेडियन में बदलना है, क्योंकि अपन जानते हैं क्योंकि एक चक्कर पूरा करने पर, एक चक्कर पूरा करने पर पहिए द्वारा एक चक्कर पूरा करने पर पहिए द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, बनता ही तो है, जैसे ये सर्किल है, ये पूरा चक्कर है ना इसका, पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितने मिनट का होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 का। अब कितना है, 180 का, भाई ये वाला कोण ही तो है, अगर ये पूरा कोण होगा तो 360 का, ये बात। अब देखो एक चक्कर पूरा करने पर पहिए द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बता रखा है पहले ही, 180 डिग्री बराबर होता है
पाई रेडियन, पाई रेडियन है ना, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इंप्लाइज 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 18 को 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360, 360, और यहां हो जाएगा 2 पाई रेडियन है ना। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। अब देखो 2 पाई रेडियन, तो एक चक्कर पूरा करने पर पहिए द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 2 पाई रेडियन का कोण बनता है एक चक्कर लगाने पर। ये चक्कर कितना लगाता है, 1 सेकंड में 6 बार चक्कर लगाता है, तो आता है 1 सेकंड में पहिए द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा। देखो भाई ये समझना जरूरी है, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है वो, और एक चक्कर कितने का है, एक चक्कर पूरा करने पर पहिए द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो 2 पाई रेडियन का एक एक राउंड में बनता है ना, तो 6 राउंड में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोण बराबर 6 गुना 2 पाई, यहां हो जाएगा 12 पाई रेडियन, ये अपना आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेमी लंबाई की, चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, और पाई का प्रयोग करना अपने 22/7 के रूप में। अब देखो अपने पास दिया है, सॉल्यूशन लिखते हैं अपने पास, क्या दिया है अपने को, दिया है त्रिज्या आर कितनी है, रेडियस है अपने पास 100 सेंटीमीटर, एंड एल चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल, ठीक है, चाप की लंबाई कितनी है अपने पास 22 सेंटीमीटर है ना। ये अपने पास त्रिज्या तो है 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई अपने पास 22 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, चाप की लंबाई, चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और पाई का मान 22/7 लेना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो कि अपन जानते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। ये कोई वृत्त होता है ना, उसके केंद्र पर बनाए गए कोण के संबंध में होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई, लिख लो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, दिस इंप्लाइज कोण क्या है अपने पास, कोण हो गया अपने पास, चाप कितना है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, सेमी से सेमी कैंसिल हो गया, तो यहां मिलेगा अपने पास 11/50 कोण। अब इस कोण को अपने को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, कोण इतना मिला है क्योंकि अपन जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना, ठीक है, अपन इसको रेडियन में बदल लें, तो क्या करेंगे 180/π, दिस इंप्लाइज रेडियन बराबर 180/π, रेडियन में बदल लेना इसको, अतः है 11/50 रेडियन बराबर 180/π गुना 11/50, यही होगा। अब यहां अपने को क्या करना है, 180/22 गुणा 60 गुणा 11/50, ये इससे 2 बार कटेगा और यहां मिलेगा 90, और इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा,
और यहां 63y5, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 63y5 रेडियन। ये अपने पास किसका कोण होगा, दिस इंप्लाइज चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर हो जाएगा अपने पास 63/5 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास यहां तो पढ़ने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी ना, ये सारा डिग्री में वैल्यू आएगी तो ये डिग्री में आएगा सारा, ठीक है, और ये रेडियन ही होगा या डिग्री होगा, ठीक है, इसको डिग्री में। अब इस डिग्री को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, तो देखो दिस इंप्लाइज 63/5, यानी 63 में 5 का भाग देंगे वन टाइम और कितना हो जाएगा 210, बचेगा 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 12 + 3/5, ये डिग्री हो जाएगा। अब अपन पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना वैसे, अब इसको अपन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा अपने पास 12 + 12 डिग्री + ये। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, देखो 180 में 5 का भाग देते हैं तो 5 × 3 = 15, बचे 3 × 6 = 30 है ना 36, तो यहां हो जाएगा अपने पास 12 डिग्री + 36 मिनट, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये अपने पास चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण,